साथियों नमस्कार। योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आपको। हमारा अभी तक का जितने भी हमने एपिसोड तैयार किए निश्चित तौर से आपको पसंद आया होगा। इस अगली कड़ी में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण है ये अपर एब्डोमिनल रीजन। अपर एब्डोमिनल का मतलब है कि हमारे डायफ्राम से लेकर के नेवल के बीच का जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, इस बॉडी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों हम अपने हाथ में सादृश्यता के सिद्धांत कोरोस्पोंडेंस थ्योरी पे हम लोग कार्य कर रहे थे। तो कोरोस्पोंडेंस कहाँ पे आ गया, हाथ को हमने इस तरह से रखने की बात कही थी, सामने ये दो पैर था और ये दो आपका हाथ है। इन दो पैर और दो हाथों में ही, हाथों के पश्चात हमने डायफ्राम बनाया था इस लाइफ लाइन को। कौन सा लाइफ लाइन, इस तरह से लाइफ लाइन देख पा रहे हैं, इस लाइफ लाइन को हमने डायफ्राम तैयार किया था। लेकिन जब हाथ को हमने इस तरह से किया तो हमारा लाइफ लाइन बनेगा वो होगा हमारा ये मणिबंध। मणिबंध की ये लाइन सभी के हाथों में देख लीजिएगा, ये आपका डायफ्राम बन जाएगा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा साथियों, इसको आप थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो आप अपना डायफ्राम मान लीजिए, अपर पार्ट को, इस वाले भाग को, ऊपर के भाग को। तो अब सेंटर में जो हमारा स्टार्ट हम लोग करेंगे वो स्टमक से शुरू करेंगे और जो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव पावर है, डाइजेशन पावर है, वो सारे, चाहे वो पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम, विकृतियां हो, उन सब का ट्रीटमेंट हमें इसी माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज ध्यान से इसको देखते रहिए, कॉपी पेन या फिर कॉपी नहीं तो कम से कम पेन आपके पास हो और आप इस वीडियो के साथ अपने हाथ में ड्रॉ जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको फायदा होगा कि आप जल्दी सीख पाएंगे, आप इसको जल्दी समझ पाएंगे इसको आप। तो आइए हम लोग देखते हैं पीपीटी को अगले क्रम में, अगले कड़ी में, और क्रम से स्टेप बाय स्टेप और साथ साथ में आप इसके पीछे आप कार्य करते चले, अपने हाथ में ड्रॉइंग बनाते चले। साथियों हम लोग चर्चा कर रहे थे सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी में सु, पाम और जोग फिट, इसके बारे हम लोग चर्चा किए थे। इससे पूर्व के कड़ी में सादृश्यता सिद्धांत का चर्चा किया था। समान आकार प्रकार के वस्तु में समान ऊर्जा होती है। मित्रों हम लोगों ने देखा था कि दो पैर और दो हाथ, हाथ को हम लोग इस तरह से नीचे किए थे और दो पैर और दो हाथों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें साथ ही साथ इसमें हमने अंगूठे में अपने सर वाले भाग को दिखा था और ये अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ भाग है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये उभरा हुआ भाग, इसमें हम लोगों ने लंग्स, दो लंग्स के बारे में, बीच में हार्ट के बारे में चर्चा पूर्व के कड़ी में हम लोग कर चुके थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पूर्व की कड़ी को आप जरूर देखें ताकि आप सीक्वेंस इसे जान पाए और सही तरह से सीख सकते हैं। साथियों हम लोग चर्चा करने वाले इसमें अपर एब्डोमिनल रीजन। अब अपर एब्डोमिनल रीजन बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अपर एब्डोमिनल रीजन, चूंकि हमारा ये बीच में पेट, हमारे अर्थात स्टमक, स्प्लीन, लीवर, छोटियां, बड़ियां, ये सारे पूरे बॉडी ऑर्गन इतने बड़े एरिया में आना है, तो पहले अपने आप हम लोग एक माइंड सेट कर ले कि हमें जो अपर एब्डोमिनल है कहां से कहां तक बनाना है। तो साथियों जो आप अंगूठे की इस कोने वाले भाग को देख रहे हैं, यहां से एक सीधी लाइन यदि खींच दे यहां पे, इस तरह से यहां तक सीधी लाइन पे, तो ये ऊपर वाला अपर एब्डोमिनल होगा और नीचे वाले जो एरिया बनेगा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बनेगा जो कि लोअर एब्डोमिनल, एब्डोमिन एरिया पे आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अपर एब्डोमिनल एरिया पे हम लोग स्टमक को कैसे प्रतिस्थापित करते हैं, इसको जरा ध्यान से हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए आप, मैंने कहा था कि ये जो अब जो हाथ को जो स्टैंडिंग पोस्चर हम कर रहे हैं तो हमारा ये जो बन जाएगा ये हमारा डायफ्राम हो जाएगा, मणिबंध जिसे हम लोग कहते हैं। ये कर्सर को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा और साथ ही साथ ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये भी हमारी ये डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे ये है जिसे हम लोग स्टमक कह रहे हैं। ये स्टमक हमारा डायफ्राम के जस्ट नीचे वाले पार्ट है। तो ये डायफ्राम के नीचे हमारा ये स्टमक है। तो स्टमक देखिए आप हाथ को, अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड को यदि ध्यान से देखें तो स्टमक हमारे सेंटर से, सेंटर देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा ये लाइफ लाइन बनी हुई इसके जस्ट यहाँ जहाँ समाप्त हो रही है उसके जस्ट बगल से हम लोग यहाँ स्टमक का शुरू करेंगे, क्योंकि स्टमक हमारे माउथ एरिया से शुरू होकर सीधा हमारे ईसोफेगस से होते हुए डायरेक्ट ये आहार नाल के माध्यम से स्टमक पे आती है और ये हमारा लेफ्ट साइड टर्न है। बड़े ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड टर्न है, राइट साइड मत घुमाइएगा इसको, लेफ्ट साइड टर्न करना है। और ये वाले जो भाग दो हल्का सी के आकार का बनाना है आपको,
ताकि यहाँ भी हम पेंक्रियाज बना सके। साथियों, स्टमक का जो काम होता है वो है HCl का निर्माण करना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करना है, जो कि डाइजेशन पावर के लिए, जो भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी आर्गन की वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी, जिसे हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी, दोनों प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इसका हम ओरिजिनल फोटोग्राफ देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो हम आपको दिखाने का दिखाने प्रयास कर, देखिए ओरिजिनल फोटोग्राफ, एक तो मैंने इसमें स्टिक डायग्राम दिखाया है और दूसरा जो हम लोग दिखा रहे हैं ये हमारा जो है ओरिजिनल फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पे, ताकि आपको समझ सही आए। ये स्टिक डायग्राम है और इसको हम, इसको ओरिजिनल डायग्राम को हाथ में इसी तरह कर रहे हैं। मित्रों, इसको दिखाने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाथ के आप इस हथेले के इस पार्ट में प्रेशर दे सकते हैं। सामान्य क्रम यदि कुछ भी ज्ञात नहीं है तो कम से कम इस एरिया को आप अंगूठे से प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और कलर कैसे लगाना है, मैग्नेट और दबाव किस प्रकार देना है, ये सिंपल कड़ी आप देखते रहिए, मैं सब कुछ क्रम से बताने वाला हूँ आपको। और साथियों, आप जब ये वीडियो सब देखेंगे ना तो आप सब कुछ सीख चुके होंगे। आप इसमें क्रम से आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आज देखने का प्रयास कीजिएगा। ये स्टमक है और स्टमक के जस्ट बाद देखिए आप स्प्लीन, प्लीहा, जी हाँ, ये देखिए इसके जस्ट लेफ्ट साइड, यदि आप बॉडी में देखें तो यहाँ पे देखिए ये है स्प्लीन, ये जस्ट हमारा स्टमक है और स्टमक के बगल में यहाँ देखिए लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये इधर का है राइट साइड। तो स्प्लीन मित्रों, ये हमारा स्प्लीन है। अच्छा, स्प्लीन का कार्य जो क्या होता है, महत्वपूर्ण से हमारे ब्लड का निर्माण कहते हैं, यहाँ पे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। यहाँ पे RBC जो कि हमारा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, और जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का WBC कहते हैं, इनमें यदि किसी प्रकार के टूट फूट होते हैं तो टूट फूट का रीस्ट्रक्चरिंग का कार्य यहीं पर होता है और कुछ मात्रा में ब्लड का निर्माण भी होता है। लेकिन मई दर की बात साथियों, मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। स्प्लीन का कार्य अकॉर्डिंग साइंस तो इतना ही है, लेकिन एक्यू साइंस में इसका बड़ा महत्व दिया गया है। ये हमारे बॉडी का ना ग्रिपिंग पावर को, पकड़ को, हमारे बॉडी की ग्रिपिंग, चाहे वो हाथ की हथेली की हो या हमारी बॉडी ऑर्गन्स को अपनी जगह बनाकर रखने का कार्य है, ये स्प्लीन के द्वारा ही संभव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण और कार्य ये हमारे क्या कहते हैं, जो भोजन होता है ना, जो फूड क्री है, उसको ओरिजिनल क्री में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और इसका कार्य महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार के डिस्क प्रोलैप्स हो या स्लिप डिस्क हो या हर्निएशन की प्रॉब्लम हो, इस सभी प्रॉब्लम में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और बड़े आसानी से और बड़े अच्छी तरह से कार्य करता है। ब्लड संबंधी जब कोई कमी या अधिकता, जब कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हम इस आर्गन्स का ट्रीटमेंट देकर उसे ठीक करते हैं। इसलिए मित्रों, यहाँ चूंकि आपका दूसरा प्रश्न ये होगा, सर यहाँ तो आपने लंग्स बनाया था, हाँ थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे लंग्स के ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है, तो अब क्या करें। जहाँ ओवरलैपिंग होता ना, तो प्राइमरी तो लंग्स है, सेकेंडरी आपका बन रहा है इसके ऊपर में, ये स्प्लीन है, तो क्या करेंगे, इसको राइट हैंड में ट्रीटमेंट दे दीजिए आप। तो राइट हैंड में आपका क्या है, ये ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका आप इस तरह से बड़ा ध्यान रखिएगा, जहां पर भी कोई आर्गन ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैपिंग में सेकेंडरी जो सेकंड जो बाद में बन रहा है, उस आर्गन का ट्रीटमेंट वहां पे बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अब इसको जरा ओरिजिनल जब फोटोग्राफ देख ले, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, और ये देखो अंदर के पार्ट को काट के यहाँ पे दिखाया गया है, स्प्लीन है, जो इसका कलर को आप देख पा रहे हैं, जहाँ ब्लड के कलर का रक्त वर्ण जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे मेहरून कलर का, निश्चित तौर से यहाँ पे देखिए दो हमारे पास आर्टरी और वेंस हैं, जहाँ ब्लड का यहाँ पे आना जाना बना रहता है। इसके बाद साथियों देखिए लीवर, लीवर बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन है और सबसे बड़े आर्गन के साथ ये सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन मतलब, कहने का मतलब बहिस्रावी ग्रंथि। ये अपने पर्टिकुलर विशेष नली, देख पा रहे हैं यहाँ पे, इधर जो फोटोग्राफ देखिएगा, एक नलिका होती है जिस नलिका के नाम से पित्त जो है बनता है, बन करके यहाँ पे इष्ट आपका गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से पूरे होने भोजन करते हैं, वैसे ही ड्यूडेनम में आकर के यहाँ पे उसको ड्यूडेनम एरिया पे निकाल कर उसमें भोजन के पाचन के लिए छोड़ दिया जाता है। साथियों, लीवर बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण आर्गन है। लीवर है तभी हम सभी लोग कार्यरत हैं। अगर लीवर काम करना कम करे तो व्यक्ति में क्या होती है, आलस्य, प्रमाद और व्यक्ति कुछ करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती।
अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ये ट्राइंगल है, कोने वाला भाग है, महत्वपूर्ण पार्ट, देखिए इसको ट्राइंगल के रूप में ऐसे बना सकते हैं आप लोग यदि बना रहे हैं हाथ पे, तो बिल्कुल प्लीज बिल्कुल ऐसे मोड़ मोड़ करके बनाने का उसने, बिल्कुल एक सीधी लाइन इधर खींच लीजिए, एक सीधी लाइन ऐसा खींच लीजिए, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा ये व्हाइट वाला किनारे का एरिया है ना पूरा कंप्लीट पकड़ लीजिएगा इसको, और यहाँ से यहाँ तक पूरे ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप है, कोई दिक्कत नहीं, स्टमक दबा हुआ होता है इसमें, आप यहाँ पे देख लीजिए स्टमक को दबा कर रखा है। तो ये हमारा लीवर है, लीवर पित्त का निर्माण करता है, बाइल डक्ट का निर्माण करता है, जी हाँ, साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हमारे बॉडी का FCI के रूप में काम करता है, अर्थात ये हमारे एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोरेज है, अतिरिक्त भोजन ग्रहण करने पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके अपने अंदर रखता है, और जब आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके बॉडी को पुनः फिर से आपूर्ति करता है। तो यह है लीवर, तो लीवर का एरिया है, इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अगर इसमें अलग अलग रोग होते हैं, फैटी लीवर हो जाती है व्यक्ति का, है ना, तो मोटे बहुत बड़े आकार बढ़ जाती है तो भी दिक्कतें व्यक्ति को होती है, काम करना बंद कर देते हैं तो भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद इसी के अंदर एक इसको ओरिजिनल फोटोग्राफ यहाँ पे पहले देख लीजिए आप, देखिए लीवर का ओरिजिनल फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं, और इसी के अंदर होता है साथियों गॉल ब्लैडर, देखिए यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यहाँ पे इस तरह से गॉल ब्लैडर बना, पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय का मतलब पित्त के रहने का स्थान। लीवर जो है 24 आवर क्या करते हैं, 24 आवर क्या है, पित्त का निर्माण बूंद बूंद कर करते हैं, और ये यहाँ पे आकर इकट्ठा होता रहता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं साथियों, जैसे ही भोजन स्टमक में इन करता है, प्रवेश करता है, वैसे ही ये पिंक क्या बोलते हैं आपका, जैसे निकलता है यहाँ से ना ड्यूडेनम की तरफ, तो क्या करता है ये आपका गॉल ब्लैडर जो है, यहाँ से पित्त जो है 50 to 60 70 ml एक साथ क्या करता है, पित्त यहाँ पे निकाल के छोड़ता है भोजन को पचाने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक कौर खाए तो थोड़ा निकाले या ज़्यादा खाए ज़्यादा निकाले, बिल्कुल नहीं, ये एक ही मात्रा में बिल्कुल बाइल डक्ट बाइल जो है निकालता है, पित्त जो है पित्त का स्राव यहाँ पे आपके ड्यूडेनम एरिया में करता है, तो इसके द्वारा फिर भोजन का पाचन हो पाता है, प्रोटीन्स होते हैं विटामिन होते हैं इसका सही तरह से क्या है जॉर्वेशन संभव हो पाता है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा है गॉल ब्लैडर लीवर, और मित्रों गॉल ब्लैडर में ही पथरी होती है, पथरी का निर्माण कहाँ बनती है गॉल ब्लैडर में होती है, तो डॉक्टर इसे काट कर बाहर निकाल देते हैं। तो एरिया कम से कम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस एरिया का आप लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो 5 स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये कौन सा हो गया आपका, देखिए आपको स्टमक देख लिया, स्प्लीन देख लिया, लीवर और गॉल ब्लैडर, इसके साथ यहाँ ओरिजिनल फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस तरह से लीवर है, लीवर के बीच में यहाँ पे क्या देखा गया है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के बाद साथियों यहाँ पे होता है पेंक्रियास, पेंक्रियास में जो महत्वपूर्ण ये है शुगर संबंधी विकारों के लिए, जिसे हम लोग मधुमेह रोग जानते रहते हैं, आज महामारी के रूप में फैला हुआ है समाज में, तो इससे यदि मुक्त होना है तो आप पहले इसके एरिया कोरस्पोंडेंस पहले देख लें, कोरस्पोंडेंस कहाँ पे है, एक पत्ती नुआ देख पा रहे हैं यहाँ पे, और विशेष तौर इसकी आकृति हमारे करेले की तरह होती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बिल्कुल ओरिजिनल फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, बगल में पैरेलल मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मित्रों यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस बनती है जो पाचन के लिए काम कार्य करता है, जो अलग अलग विटामिन है उसके पाचन में, एक विटामिन के इत्यादि के पाचन में ये महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। साथ ही साथ यहाँ से एक और एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग जो कि ग्लूकोज के पाचन के लिए इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन का स्राव यहीं से होता है, और मित्रों इंसुलिन का स्राव जब नहीं हो पाता ना तभी क्या है हमारा जो है ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, और जब सेल्स प्रवेश नहीं कर पाता तो शरीर क्या है उसको भोजन नहीं मिलता और नष्ट सेल्स बॉडी के नष्ट होने लग जाते हैं, शरीर का वेट घटने लग जाता है, और बॉडी के ब्लड में क्या है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जो पेशाब के माध्यम से पसीने के माध्यम से और अन्य माध्यम से बाहर निकलती रहती है। तो ये पेंक्रियाज है और यहीं से पेंक्रियाटिक इसे बीटा सेल से पेंक्रियाटिक आपका इंसुलिन का निर्माण होता है। तो इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों मैंने कहा था कि ये अपर एब्डोमिनल एरिया जो यहाँ से इसके बराबर ऊपर वाले एरिया में देखो उतने एरिया में, अगर ज़्यादा नीचे एरिया लेंगे ना तो फिर इधर छोट बड़ी आँख और छोटी आँख के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। तो साथियों ये आपको बात इतनी दो, अपर एब्डोमिनल वाला एरिया जिसमें स्टमक है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर और आपका गॉल ब्लैडर के साथ पेंक्रियाज
पिंक्रियाज, पिंक्रियाटिक जूस, सहस्रायु, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गन है ये अपर एब्डोमेन का पार्ट है। यदि देखा जाए तो स्टमक, स्प्लीन और आपका पिंक्रियाज ये पृथ्वी तत्व के प्रतीक के रूप में माना गया है आयुर्वेद में, और लीवर और गॉल ब्लैडर चूंकि इसको माना गया है ये हमारे क्या है, ये पित्त बनाता है अर्थात अग्नि का निर्माण करता है। TCM में इसको वायु के प्रतीक माना गया है चूंकि हमारे आयुर्वेद कहता है कि पित्त जो है अग्नि है, इसलिए उसे अग्नि में कहा गया है। जितने 13 प्रकार की अग्नियों की बात कही गई है, 13 प्रकार की अग्नियों का निर्माण यहीं पर होता है जे लीवर और गॉल ब्लैडर में। जी हाँ, तो ये हमारा साथियों ये अपर एब्डोमिनल एरिया हो गया है, और लोअर एब्डोमिनल एरिया के लिए हम दूसरा एपिसोड तैयार करेंगे। छोटे छोटे क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं, और उस क्रम को देखने के लिए आप नेक्स्ट हमारे वीडियो देखिएगा। यदि ये आपको समझ आ गया तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपने हाथ में बना रहे होंगे, और इतने एरिया को खाली रखिए, बड़े अच्छे प्यार से बनाइए, एक बार, दो बार, तीन बार, जो भी अच्छा लगे इसको आप बनाइए, अपने पास पड़ोस, अपने इष्ट मित्रों को बताइए, समझाइए, वो खुद समझ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 यदि देख रहे हैं तो निश्चित तौर से मैं आपसे आप गारंटी देता हूँ कि आप सीख जाएंगे। आप सीखेंगे नहीं, आप मास्टर बन सकते हैं और सबको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सीखिए और दूसरे को सिखाइए, दूसरे को बताइए, ये आपके लिए, देश, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मुझे उम्मीद है अगर अच्छी लगी तो उसको शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने इष्ट मित्रों तक इसे प्रेषित करना। ये हमारे ओरिजिनल फोटोग्राफ था उसी का, जो हमने फोटोग्राफ स्टिक डायग्राम बनाए थे, तो स्टिक डायग्राम में और इसे बगल देख लीजिए, ये वाला एरिया जो आप पूरे ओरिजिनल हमने यहाँ पे क्या है, स्टमक, स्प्लीन से लेकर पूरे आर्गन को स्पष्ट दिखाया, ताकि आपको मित्रों स्पष्टता आ जाए। स्पष्टता के लिए हमने ये सारे चीज़ यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बड़े ध्यान से आपने देखा। अगला एपिसोड निश्चित तौर से बहुत जल्दी हम आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट कड़ी में निर्माण करने जा रहे हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।